नमस्कार, दोपहर वार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। आज हम बात कर रहे हैं यूपी में उरई के एक जेलर की गधागिरी की। दरअसल उरई जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां कुछ गधों ने जेल की हवा काटी है, क्योंकि वो थाना परिसर में रखे गए कीमती पौधों को खा रहे। पुलिस की शिकायत थी कि ये गधे पहले भी परिसर में आ जाते थे, जिसकी शिकायत उन्होंने गधों के मालिक से की थी, लेकिन उसके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद गधों ने थाना परिसर में रखे पौधों को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने गधों को हिरासत में ले लिया और फिर जेल भेज दिया। उगाही और कमाई में व्यस्त रहने वाली यूपी पुलिस पौधे खा जाने पर ऐसी बौखलाई कि उसने गधों को ही जेल भेज दिया और उनको जेल की हवा खानी पड़ी। और जेलर सीताराम शर्मा ने इस पे कोई शर्म भी महसूस नहीं की कि अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहने वाले ये जेल पुलिस और अपराधियों पर कंट्रोल करने में नाकाम रहने वाली ये जेल पुलिस, जेलों से अपहरण और फिरौती का धंधा रोकने में नाकाम रहने वाली ये जेल पुलिस, कुल मिला जुला के गधों को अंदर भेज के ही इसी पर गधों को अंदर भेज के उनको बहुत सुकून मिल गया। कल हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका बर्ताव बिल्कुल माफ़ी मांगने लायक नहीं था। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो इससे पहले कि हम आपको अपने दर्शकों को अपने गेस्ट से रूबरू कराएं, हम आपको दिखाते हैं कि पूरा वाकया है क्या। आप जानते हैं इंसान और गधों में क्या फर्क है? गधे इंसानों की तरह हंस नहीं सकते। वैशाख नंदन गधा चर्चा में तब आए जब पीएम मोदी ने गधे की शान में कसीदे पढ़े। उसके बाद तो ये गधे अचानक से सेलिब्रिटी बन गए थे, सियासत का केंद्र बन गए थे। गधा भी हमें प्रेरणा देता है, अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। हमको खुद समझ नहीं आ रहा कि हम हंसें या हैरत करें। मामला पूरा ये है कि यूपी में एक जिला है जालौन, और जालौन में है उरई जेल। यहाँ के जेलर है सीताराम शर्मा। नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्या पवित्र नाम है, बिल्कुल सतयुग वाला, शुद्ध सात्विक। लेकिन जब आप इनका कारनामा सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। इनका नाम सुनते ही जालौन के गधे भाग जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले गधों ने जेलर साहब की शान में गुस्ताखी कर दी। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। साहब ने अपने घर और घर के आसपास कुछ पौधे लगाए थे, इन गधों ने पौधों को चर लिया। फिर क्या था, इन 8 गधों को जेलर साहब ने जेल में ठोंस दिया। जब गधों के मालिक ने खूब मान मनवल की, हाथ पैर जोड़े, तब जाकर जेलर साहब ने 4 दिन बाद इन बेजुबान गधों को छोड़ा। जब भारत समाचार ने इस खबर को दिखाया, जेलर साहब से सवाल पूछे तो वो बिफरने लगे। गधों को बंद नहीं किया गया था, बांधा गया था। गधे एक्चुअली आवारा पशुओं की तरह समस्या कर रहे थे हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में। कई जो फसल लगाई हुई थी वो नष्ट कर दी, वृक्षारोपण किया गया था, गमले तोड़ दिए, बहुत सारा हमारा 50-60 हज़ार का सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है। और गधे मालिक को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे और 15-20 दिन से ये सब चल रहा था। अब क्या यूपी के जेल मंत्री साहब इस जेलर पर कार्रवाई करेंगे? पशुओं के हक के लिए आवाज उठाने वाले सो कॉल्ड संगठन क्या इस जेलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे? अब तो जालौन के सारे गधे छुप गए हैं और यही कह रहे हैं कि भैया थप्पड़ वप्पड़ से नहीं, जेलर साहब से डर लगता है। मनीष राज, भारत समाचार, जालौन। सीताराम शर्मा नाम है इस जेलर का, और एक फिल्म में एक डायलॉग था कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। तो लगता है सीताराम शर्मा ये कहते हैं कि वो गधों के जमाने के जेलर हैं, जिस तरह से बर्ताव उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, कल हमने जब इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित कराया तो बिल्कुल वो माफ़ी मांगने की स्थिति में नहीं थे, और न कोई शर्म महसूस हो रही थी कि उनको उन्होंने ऐसा किया था। ये एक बड़ी अजीब और गरीब चीज़ है। जहाँ भारत, जहाँ उत्तर प्रदेश एक अलग तरक्की की राह पे जा रहा है, वहाँ पे इस तरीके से एक जानवरों के साथ
इस तरह का जुल्म करना, खासतौर से जो पशु या वन्य प्रेमी हैं उनको रास नहीं आएगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय करा दें। जगदेव सिंह यादव जी, सपा नेता और पूर्व मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ रिजवी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओपी पांडे साहब, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वीरेंद्र सिंह, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, लखनऊ के ब्यूरो चीफ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे जगदेव सिंह यादव जी का। जगदेव सिंह यादव जी, इस तरीके का ये अनोखा मामला ये सामने आया है, और बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये एक हास्यास्पद चीज़ है, लेकिन हमने इस सीरियस डिबेट में इस टॉपिक को इसलिए शामिल किया कि कौन सी सदी का ये जेलर है कि इनको आदमी, पशु और जीव जंतुओं में कोई फर्क नहीं लग रहा है, और जो कृत्य किया है उस जेलर ने, उसके बाद उसको उसके लिए शर्म भी महसूस नहीं हो रही है। देखिए, बहुत से सिरफिरे अधिकारी होते हैं, इनको समझ नहीं होती कि सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में किस तरह रहना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वाह किस तरह करना चाहिए, इसीलिए इस तरह की हल्की फुल्के वो हरकतें करते रहते हैं। पशु संरक्षण नियम भी है, कानून भी है और जिम्मेदारी भी है, हर तरह करते हैं। अभी एक जब मामला आया था तो माननीय अखिलेश जी ने उस समय कहा था, गुजरात गया, गुजरात में भी गधों पर विज्ञापन किया जाता है, अमिताभ बच्चन तब उस संदर्भ में उन्होंने कहा था, लेकिन उसको दूसरे संदर्भ में ले लिया गया। तो मैं कहता हूँ ऐसे अधिकारी खिलाफ़ तो जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। जांच की कोई ज़रूरत नहीं, तो प्रमाण है सामने, जांच करें और उसको माफ़ी, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए कि पशुओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई मालिक गलती करता है उसको बुला के उससे बात करते हैं। और इसमें क्या संदेश जाएगा? एक जेलर एक पढ़ा लिखा आदमी माना जाता है, इससे संदेश क्या जाएगा वीरेंद्र जी? बहुत बुरा संदेश जाएगा कि जेलर जहाँ आदमियों को बंद करने की, अपराधियों को बंद करने की, वहाँ पशुओं को बंद करते हैं और वो गधों को बंद करते हैं, इससे ज्यादा हास्पद कहिए या उसकी क्या कहा जाए, लोग इस पर हंसेंगे इसकी मूर्खता पर, इसकी अज्ञानता पर। सियासत में देखिए, ये अज्ञान आदमी है, इसकी अज्ञानता पर, मूर्खता पर लोग हंसेंगे, मजाक तो ही हंसेंगे भी कि ऐसे ऐसे जेलर भी हैं हिंदुस्तान में जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात करते हैं। जी वीरेंद्र जी, गधे जरूर जेल चले गए, लेकिन इनका राजनीति में, सियासत में बड़ा महत्व रहा है। इनके नाम का बहुत इस्तेमाल होता रहा है, और जिस जेलर ने इन गधों को जेल भेजा है वो इस सरकार में अगर जेलर बना रहता है तो इस सरकार की मानसिकता पर भी सवाल खड़ा होगा कि अगर ऐसे जेलर जो इंसान और जानवर दोनों को एक साथ एक जेल में रखने के सोच रखते हैं तो उनकी नजर में इंसान भी गधा है और गधा तो गधा है ही है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सीताराम शर्मा जिस जेल में है, जालौन उरई जिस जेल में है, उस जेल का अगर इतिहास निकाल के देख लिया जाए तो सैकड़ों मामले ऐसे मिल जाएंगे जो कि तमाम उत्तर प्रदेश की जेलों में इस तरह के मामले मिलते हैं। जेल को तो कंट्रोल कर नहीं सके, ये एक बहुत बड़ा समाज पे तमाचा है। गधों को, एक बेजुबान जानवर को हम जो वन्य जीवन, खास बात यह है रमन जी कि इंसान तो इंसान, ये बीजेपी के लोग गधों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आसिफ रिजवी साहब, एक रिएक्शन आपसे। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी गंभीर है ये इससे समझ में आ जाता है। पुलिस से अपराधी तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, और जब सरकार में बैठे हुए लोग दबाव बना कहे कि अपराधियों को छोड़ो, तो जेलर तो किसी न किसी को बंद करना ही है, तो बेचारे गधों को ही बंद कर देगा। आप सोचिए, चार दिन होगा इस घटना को छुड़ाने के लिए एक बीजेपी नेता ने ही सिफारिश की है। एक बात और बता दें, चार दिन होगा इस घटना को, तीन चार दिन होगा, सरकार सो रही है, चैनल पे चल रहा है, सरकार सो रही है, अब तक सस्पेंड नहीं किया। इससे पता लगता है हमारी सरकार कितनी गंभीर है। मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही है कि गधों को बंद किया या गधों की सरकार है। उत्तर प्रदेश की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि ये टॉपिक कोई भी अगर सुनेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, जेलर ने जो कुछ भी किया है तो वो एक पल के लिए हंसेगा, लेकिन हम इस टॉपिक को एक सीरियस डिबेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि आखिर वो जेलर जो पढ़ा लिखा एक प्रशासनिक अधिकारी है जो कोई एग्जाम क्वालिफाई करके आया है, उसमें और फिर जानवरों में फर्क क्या है, आखिर किस तरह का संदेश देना चाहता है वो जेलर? पुलिस ने पकड़ के दिया है, आप देखिए तो पूरी, मैंने पूरी न्यूज़, डेफिनेटली पुलिस ने पकड़ के दिया है, पकड़ के दिया है, पुलिस के लिए भी सवाल है। ओपी पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता ओपी पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, तीन चार दिन हो गए और एक ये छोटा मामला नहीं है, ये मामला समाज में किस तरह का संदेश दे रहा है आपकी सरकार में? ये बड़ा हास्यास्पद है कि गधों को जेल में अंदर कर दिया जा रहा है। रमन जी देखिए, जिसने भी ये किया है ये विवेक शून्यता का मामला है कि ऐसे अधिकारी हैं जिनके वास्तव में उनकी तुलना जिनको बंद किए उन्हीं से हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, उनको भी वैशाख नंदन कहा जाता है, तो जिन्होंने किया है वो भी
और ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने चार्ज दिया है, ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने बैठाला है वहां पर। अरे रिजवी साहब, आप ऐसा है, देखिए अधिकारी जो होते हैं सभी सरकारों में वही अधिकारी होते हैं, वे सपा में वो जेलर रहे होंगे, कोई जेलर आप नया नहीं पैदा करते। सरकार बदलती है, नेता बदलते हैं, विधायक बदलते हैं, मंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, जेल मंत्री, अधिकारी वही रहते हैं। लेकिन जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, जो एक कृत विवेक शून्यता का है, और सरकार उसको देखेगी, उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन इस चीज को लेकर के देखिए, ब्यूरोक्रेसी वही रहती है, दरोगा भी वही रहता है, एसपी भी वही रहता है, उनसे हमें बेहतर काम लेना है, हम लोग बेहतर काम ले। अच्छा सुनिए सुनिए, आपके कहने का मतलब ये, पांडे जी एक मिनट, पांडे जी आपके कहने का मतलब ये है कि यही लोग जब सपा बसपा की सरकार में काम कर रहे थे तो ठीक कर रहे थे, इस सरकार में आगे गलत कर रहे। सपा बसपा भी सरकार ही नहीं थी, गधे तो पहली बार बंद हुए थी, सरकार ने उसे तो पहली बार बंद हुए, नहीं नहीं ऐसा सरकार भी बंद हो रहा है, कहीं गलती से गधे भी बंद हो रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में आदमी बंद हो रहे हैं, ठीक है, कहीं गधे भी बंद हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, ओपी पांडे जी, ओपी पांडे, ओपी पांडे जी, ओपी पांडे जी, अच्छा सुनिए सुनिए वीरेन जी, इस घटना को पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी आम आदमी, जो बिल्कुल अनपढ़ गवार है, और उनसे लेके जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके सामने जब यह घटना आई होगी तो वो क्या सोच रहा होगा? वो यही सोच रहा होगा ना कि कानून का कैसे मजाक उड़ रहा है, कानून का, नियमों का, जेल का, प्रशासन का, पुलिस का, जेलर का, जेल एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे मजाक उड़ रहा है। मतलब ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है, कारागार में कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री इसके मंत्री हैं, और राज्य मंत्री हैं जयकिशन, जय कुमार सिंह जयकी, राज्य मंत्री को कोई अधिकार नहीं होता है देखिए, और इस सरकार में अगर कुछ अधिकार दिए भी गए राज्य मंत्रियों को तो थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास एम्प्लाई के से ज्यादा ऊपर के अधिकार नहीं है उनके पास। नहीं लेकिन इतना अधिकार तो होता है कि दो दिन हो गए इस घटना को, कम से कम इसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे दें, कम से कम एक मैसेज दे दें समाज को। अच्छा, इसलिए रमन जी, ये मीडिया और समाचार पत्र, टेलीविजन, सरकार क्या मॉनिटरिंग क्यों होता है? इसीलिए तो होता है कि जब कोई घटना हो तो सरकार उसको देख के संज्ञान ले। बिल्कुल। लेकिन जब आप चार दिन गधों को बंद किए रहे, टीवी चैनलों पर चल रहा है और अधिकारी पर इस पर जवाब भी दे रहे हैं, तो सरकार को कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? सरकार की आंख तो है ही। कल की बात बताता हूँ वीरेन जी, ओपी पांडे जी से पूछना चाहूंगा, कल की बात, इस घटना के बाद हमने जेलर का फोन लिया, जेलर इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि आप लोग को बात करने का तरीका नहीं आता, सलीका नहीं आता, आप जेलर सिखाएगा कि मीडिया कैसे बात करनी चाहिए। दूसरी बात है कि उस जेलर ने माफी मांगना तो बहुत दूर की चीज है, उसको अपने किए पे अफसोस भी नहीं हो रहा था। दूसरी बात, एसपी को फोन लगाया हमने वहां के कमिश्नर को फोन लगाया, हमने डीएम को फोन लगाया, किसी ने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। मानते हैं चलो जानवर है, बेजुबान है, इन पे अगर रिएक्शन ना दें तो भी उनका कुछ जाता नहीं है, इसलिए कि वो तो बड़ी बड़ी घटनाओं पे रिएक्शन नहीं देते हैं तो गधों को कौन पूछ रहा है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक घटना है वीरेन जी। ये देखिए, भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई होगी जो आज गधों को जेल में बंद किया गया है, ऐसा उदाहरण कहीं मिलता नहीं, किसी देश में, प्रदेश में नहीं मिला। मतलब क्या सोच रही होगी तो उसकी? उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। बीजेपी सरकार मिला है, बीजेपी की सरकार में जो सपा सरकार जो गुंडागर्दी खत्म करने की बात करते थे, अपराधियों को कहते प्रदेश छोड़ दे, अब अपने अपराधी प्रदेश छोड़ गए, तुम जेल खाली है तो गधे बंद करके काम चला। कल 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 जब जेलर से हमने बात करने की कोशिश की, उसको फोन लाइन पर कनेक्ट किया था, उसके बाद मैंने जेलर से कहा कि फोन मत काटना तुम, अभी हम आपके मंत्री को फोन लगाते हैं और उनके सामने ये जो तुम जिस तरीके की बात कर रहे हो उसको पेश करते हैं। उसके बाद वो फोन काट के भाग गया। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, डेस्क से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर मंत्री का फोन लग जाए। रमन जी, ये बड़े बड़े अधिकारी, डीजीपी और एडीजी, ये लोग जेल और आईजी कहां बैठे हुए, ये क्या देखते हैं? अगर प्रदेश की जेल में आदमी जगह गधा बंद हो रहा है तो उस जेलर के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये लोग पता नहीं क्या देखते, सरकार की किरकिरी कराने के लिए बैठे हैं, सरकार की नाक कटती रहे, अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार खुद गंभीर नहीं है। आप बताइए, तो दिन से ये मसला चल रहा है, कब्जे में नहीं है, अधिकारी इनकी बात सुनते नहीं। अच्छा ओपी पांडे जी, बताइए एक चीज बताइए, वोट इन्होंने मांगा कि हम गुंडा राज खत्म कर देंगे, हम जंगल राज खत्म कर देंगे, हम 24 घंटे बदल देंगे, और कहां इनका, आज 8 महीना हो गया, 9वां महीना चल रहा है सरकार। ओपी पांडे जी, अच्छा ओपी पांडे जी छोड़िए, यही गुंडा राज खत्म किए, जेल में बंद कर रहे हैं। ये घटना है बड़ी छोटी, लेकिन इसका परसेप्शन बहुत बड़ा है। इसका परसेप्शन ये है कि आखिर कौन सा राज है, कौन सा राज है, कौन सा सिस्टम है? काले पन्नों में आज लिख गया है कि बीजेपी सरकार में गधे जेल में बंद किए जाते हैं।
नहीं, इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक ओपी पांडे जी, इस जेलर के खिलाफ? इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। जो भी एक कृत्य है, विवेक शून्यता का कृत्य है, अब जेलर ने किया था या किसी कर्मचारी ने कर दिया, जो भी उस पर कार्रवाई होगी और जो भी उचित होगा, क्योंकि सरकार देख रही होगी। पलटा मारने की बात है। दूसरी चीज, जहां तक अभी आज सवाल उठा रहे थे, देखिए सरकार कानून व्यवस्था ठीक कर रही है, तमाम अपराधी बाहर भाग रहे हैं या जेलों में या प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। गधे बन के कानून व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। अरे ये एक छोटा इशू, इतना बड़ा इशू नहीं जिस पर आप इतने गंभीर हो जाइए। नहीं नहीं, इसका परसेप्शन बहुत बड़ा है, झूठ मची थी, परसेप्शन बहुत बड़ा है, इतना नहीं था, मतलब इसमें गंभीर ना हो। अरे इस पर क्या, गधे में इतना गंभीर होने की क्या जरूरत आ गई? नहीं नहीं भाई, ये मामला हुआ किसी अधिकारी ने गलती की, गलती होगी उसको सजा मिलेगी। नहीं तो अभी तक सस्पेंड क्यों हुआ? इतना बड़ा इशू नहीं है कि इस पर वो विवेक शून्य सर, अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अब तक किसमें चार मर्डर हो जाए तब भी इनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है? नहीं नहीं, मर्डर कोई हो रहा है, मर्डर बहुत कम हो गए हैं। चार दिन का ऑर्डर बेटर हो गया है और अपराधी तमाम जेलों में या प्रदेश से बाहर भाग गए। जानवरों को चारा दिया गया कि नहीं दिया गया जेल में, वो बोल नहीं सकते जो जानवर उनके साथ जो कार्रवाई है, अधिकारी ने गलत कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी गलती होगी, जितनी भी गलती होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पांडे जी से मेरा एक सवाल है, पांडे जी से मेरा एक सवाल है। अरे सवाल एंकर पूछेंगे आप, सीधे वन टू वन नहीं होता है, चलाते हैं बाहर, बाहर एंकर चलाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओपन डिबेट है, ओपन डिबेट चलाएंगे, कोई बात नहीं, ओपन डिबेट। आप पहले रमन जी तय कर ले, आप रमन जी चलिए चलिए चलिए, सवाल आप हमसे सीधे नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं नहीं, रमन जी पूछेंगे, कोई इशू नहीं, सवाल आप सीधे नहीं पूछेंगे। ठीक है ठीक है, आप नहीं करने वाले, आप उनकी जगह आ जाइए। आप सरकार गंभीर नहीं होना चाहिए, अगर अपराधियों की जगह गधे बंद हो रहे हैं और ये गंभीर इशू नहीं है। अपराधी निवेदन है, ये बताएं गंभीर इशू क्या है? गंभीर इशू यही है, गंभीर बंद हो रहे हैं, पुलिस वाले वो छोड़िए, अपराधियों बात छोड़िए। देखिए मेरी बात सुनिए, ओपी पांडे जी, ओपी पांडे जी, ओपी पांडे जी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, अपराधियों के खिलाफ जो भी एक्शन ले रही है सरकार, उस सारी चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एक बड़ा छोटा टॉपिक देखने में लगता है, सुनने में लगता है, लेकिन इसको सीरियस डिबेट में इसलिए हमने शामिल किया कि ये बहुत कंसर्न्ड है। अभी तक गांधीगिरी देखी जाती थी, लेकिन ये गधागिरी देखने में मिल रही है उत्तर प्रदेश में, और ये जेलर इस तरीके की हरकत, इस तरीके की हरकत कर रहा है, ये कम से कम इसका परसेप्शन तो बहुत खराब जाएगा ना। कोई भी आदमी सुनेगा तो क्या सोचेगा कि क्या 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 इसके दिमाग में, इसकी मनोदशा क्या होगी इस जेलर की, जब गधों को वो जेल के अंदर भेज रहा होगा। मैं आपसे एग्री करता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, वो करेगी सरकार कार्रवाई। देखिए मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं कि सरकार इस विषयों के ऊपर गंभीर नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन मुख्यमंत्री है। नहीं, सरकार चार मुख्यमंत्री जब बैठे गंभीर होना, किस पर चार चार मुख्यमंत्री बैठेगे, सरकार को स्पष्ट है। तो क्यों आप तीन घंटे, आप बताइए चार घंटे मुख्यमंत्री को अपनी इज्जत बचानी दांव पे लगी हुई है, निकाय चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव में हम लोग बहुत क्लियर जीत रहे हैं। अपने पीसीआर क्रू से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी सियासत राज्य मंत्री जेल, उनको फोन लाइन पर ले, मैं अपने पीसीआर क्रू से रिक्वेस्ट करूंगा, राज्य मंत्री जयकुमार सिंह जैकी, उनको फोन लाइन पर ले, और साथ ही साथ एनिमल एक्टिविस्ट कामना पांडे भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, उनको भी अकोमोडेट करें और उनको उनको भी उनका भी रिएक्शन सुनने का है। आप सवालों से भाग रहे हैं। अरे हम सवाल क्यों जवाब देना, मैं पूछ रहा हूं। अरे रमन जी पूछे सवाल, आप कौन जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। सवाल हम जनता का जवाब देंगे, हम नहीं देंगे। वीरेंद्र जी आप जवाब नहीं देंगे, वीरेंद्र जी आप विपक्ष को जवाब नहीं देंगे, जवाब हम रमन जी को देंगे, वीरेंद्र जी देंगे, चलिए जनता जवाब देंगे, चलिए आप जवाब दे रहे हैं। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी नागरिक नहीं है, वीरेंद्र जी नागरिक है, आप कहना जनता बेकार है, आप जो है नागरिक के लिए जवाब दे रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर तस्वीरें देखिए, ये स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, एक एक करके आठ गधे वो बाहर निकले चले जा रहे हैं, बाहर निकले चले जा रहे हैं। ये एक बड़ा हास्यास्पद मामला है और बहुत सोचने पर मजबूर करता है। मेनका गांधी का संगठन और देश में तमाम ऐसे संगठन है जो पशुओं के एक तरह से अधिकारों की रक्षा के लिए वो हमेशा पशु क्रूरता के खिलाफ वो एक जंग छेड़ रखी है उन लोगों ने, इसलिए ये बेजुबान बोल नहीं सकते।
और नहीं, ये क्रूरता ही है रमन जी, जानवरों के साथ ये क्रूरता ही है, क्योंकि जानवर अपनी तकलीफ नहीं बता सकता है ना किसी को। बीजेपी जानवर का काम क्या है? जानवर को अगर समझदार होता तो जानवर अगर नहीं, जानवर देखिए इस जेलर की मनोदशा देखिए, जानवर अगर डिफरेंशिएट कर पाता कि ये जिस घास को जिन पौधों को खा रहा है वो पुलिस के पौधे हैं और वो जेल में लगने वाले हैं, अगर वो जानवर डिफरेंशिएट कर पाता तो फिर वो जानवर क्यों होता? लेकिन लेकिन उसने वो तो डिफरेंशिएट कर पाने की स्थिति में है नहीं, लेकिन उसके बाद भी इस जेलर को वो भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि जिसको वो अंदर कर रहा है वो बेजुबान है, वो लाचार है, वो जानवर है या कोई पढ़ा लिखा इंसान है। ये मंत्रालय गंभीर आदमी के पास, ये मंत्रालय उत्तर प्रदेश के बड़े गंभीर आदमी के पास है, इसलिए गंभीरता का परिचय देकर अभी तक सस्पेंड। जगदेव जी, जगदेव जी आपसे एक रिएक्शन। देखिए जहां तक कि इस घटना का सवाल है, आपने बहुत कहने की तो बहुत बड़ी छोटी घटना है, लेकिन आपने बहुत अच्छा संज्ञान लिया है कि पशु क्रूरता अधिनियम भी है, संरक्षण की बात भी होती है, और योगी जी खास तौर से पशुओं के लिए इनके गौशालाएं बनी हुई, आप देखें हम लोग तो बुंदेलखंड जाते रहते हैं मध्य प्रदेश प्रभारी, वहाँ सड़कों पर गायें बैठी रहती हैं, महोबा तरफ चाहे खो रही थे, उनकी संरक्षण नहीं कर सकते तो गधों क्या करेंगे। हमने सुझाव भेजा था, उस संज्ञान में लिया है कि आप हर ब्लॉक और हर तहसील में बड़े ये गौशाले बना दीजिए, सरकारी स्तर बना दीजिए, कर्मचारी थे उससे इतनी आमदनी होगी, इतनी आमदनी होगी, हर जिले में गौशाला बनने जा रही है। हाँ, वो मैं सुझाव दिया था, डायरेक्टर फोन भी आया, हमने कहा इतनी आमदनी होगी, सब इंसान भूखे मर रहे हैं उनके बारे में। मैं समझता हूँ ये संवेदनशील मैटर को गाय को भी आपने उठा करके बहुत अच्छा काम किया है, इंसान कोई भूखा नहीं। अब इतने दिन होने के बाद सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, ताकि ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो। ये जेलें जहाँ इंसान बंद किए जाते हैं, अपराधी बंद किए जाते हैं, वहाँ गधों बंद किया जाता है, ये तो बड़ी खराब घटना है। इसमें कामना पांडे जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, कामना पांडे से भी सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पशु प्रेमी, गाय प्रेमी, जानवर प्रेमी सरकार है, मुख्यमंत्री खुद जो है गायों को सुबह उठ के अपने हाथ से चारा खिलाते हैं। ये घटना पता नहीं कि उनके संज्ञान में अभी तक नहीं आई है, अन्यथा निश्चित वो इस पर कार्रवाई करते, क्योंकि गाय भी एक पशु है और गाय को हिंदू धर्म संस्कृति से जोड़ा गया है, गाय को माता कहा गया है, लेकिन गधा भले तमाम रूप से उसके आलोचना होती है, लेकिन गधा भी जानवर है और वो नहीं बोल सकता। अगर उसको जेल में बंद किया गया, उसको चार दिन चारा मिला कि नहीं मिला, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। और सरकार अगर ऐसे अधिकारियों के नाते उसकी किरकिरी होती है, उसकी छवि खराब होती है, तो ऐसे अधिकारियों पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए रमन जी, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं मामूली सी कि आप चाहे जिसको पकड़ के लाइए और छोड़ दीजिए और कोई धारा लगा दीजिए जानवर पर। ये कौन सी धारा में इन्होंने चार दिन बंद रखा जानवर को? ठीक बात है, बिल्कुल इनके खिलाफ, इस जेलर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, ये मुकदमा चला। ये बताइए ओपी पांडे जी, इस खिलाफ, इस जेलर खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिर किस धारा के अंदर और कौन सा कानून कहता है कि जानवरों को आप अंदर डाल दीजिए, जेल के अंदर डाल दीजिए? रमन जी जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब क्या कामना पांडे हमारे साथ जुड़ गई है, वक्त तो बहुत कम है, कामना जी लेट हो गई थोड़ी, एनिमल एक्टिविस्ट है। कामना जी आपका स्वागत है बहुत बहुत भारत समाचार में, आपसे रिएक्शन चाहेंगे। पूरा मामला आपको पता है हो रही की जेल का, जहां पे पुलिस के लिए, पुलिस थाने के लिए, थाने में रखे गए थे पौधे जिसको गधों ने खा लिया, और उसके बाद जेलर ने, पुलिस ने गधों को डिटेन करके उनको सौंप दिया और जेलर ने उनको अंदर कर दिया और कई दिन बाद वो जेल से छोड़े गए। आपसे जानना चाहेंगे ये एक तरह से पशु क्रूरता नहीं है तो क्या है? जेलर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? एब्सोल्युटली होना चाहिए, और मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ ये सम सॉर्ट ऑफ पार्टी वर्सेस पार्टी इशू बन गया है, ऐसा नहीं है। ये पहली घटना नहीं है यूपी में, इसके पहले बरेली में एक जैकॉल को पुलिस थाने में पीट पीट के मरणासन्न कर दिया गया था, एक मुर्गे को पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया था और उस जैकॉल को भी अरेस्ट करके पुलिस थाने में रख लिया गया था, बाद में उनको वॉलंटियर्स ने छुड़ाया था। भैंसों को अरेस्ट किया जाता है, मतलब दिस इज रिडिक्यूलस टू से द लीस्ट कि आप किसी जानवर को अरेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। एंड आई फील व्हाट इज एसेंशियल, ये पार्टी का इशू नहीं है, ये एक्चुअली हमारे सिस्टम का इशू है। हमें अपनी पुलिस को सेंसिटाइज करना जरूरी है। जब हम रोना रोते हैं कि पुलिस लोगों के साथ सेंसिटिव नहीं है और वहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं,
तो जो बेसिक एक एलिमेंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग स्कूल्स में भी सिखाते हैं कि आप अगर किसी को भी जानवरों के प्रति संवेदना, उनके दर्द को महसूस करना सिखा देंगे तो किसी भी विक्टिम की दयनीयता, बेचारगी आपको उसको समझानी नहीं पड़ेगी। कामना जी एक सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने बताया कि यूपी में तमाम केसेस हुए हैं जिसमें पुलिस ने जानवरों को डिटेन करके रखा है और जबकि ऐसा वो कर नहीं सकते, तो क्या इन पुलिस वालों के खिलाफ, चूंकि आप एक्टिविस्ट हैं, इनके खिलाफ कोई मामला बनता है? क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? क्या इनके खिलाफ कोई FIR कभी हुई है जो कि नजीर बन सके? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नो। मैंने हर बार लिखा है, मैंने DGP साहब को लिखा था और उन्होंने कॉग्निजेंस भी लिया, फोन्स हो गए और चलिए हमारा वक्त खत्म हो चुका है। कामना जी हाउस होते हैं, कामना जी जानवरों के लिए काजी होते हैं। कामना जी हमारा वक्त खत्म हो चुका है, हाउस होते हैं, उसने बंद किया। हम आपसे खाली एक चीज पूछना चाहेंगे कि ये जो जेलर है, जो जिसने ये काम किया है, इसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, सेक्शन 11 PC एक्ट 1960 का तो बनता ही बनता है। इसने किसी के पेट जानवर को इन्होंने इलीगली डिटेन किया है, उसकी IPC में भी धारा है। और नहीं तो क्या वो, क्या उसका मालिक, गधों का मालिक FIR कराएगा तभी एक्शन होगा, या ऐसे भी स्वतः संज्ञान लेके भी एक्शन हो सकता है? नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, इसलिए स्वतः संज्ञान लेके नहीं कराया जा सकता, ये गधे के मालिक को कराना पड़ेगा। बट ये हमारे पुलिस के जो आला अफसर हैं, अगर ये चाहेंगे तो ये इंटरनल एक्शन जो लेना है। बिल्कुल ठीक बात है। दो एक्शन होते हैं, एक FIR के तहत होता है और एक इंटरनल एक्शन है। इंटरनल एक्शन में देरी क्यों हो रही है वो मुझे नहीं पता। एंड सबसे हास्यास्पद बात यहाँ ये है कि यहाँ पर BJP के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। चलिए उन्हीं से पूछते हैं, ओपी पांडे जी, वक्त खत्म हो चुका है, एक्शन होगा इनके खिलाफ? निश्चित रूप से होगा। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कामना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओपी पांडे जी आपका भी धन्यवाद, वीरेन जी, जगदेश सिंह यादव जी, आसिफ रिजवी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस जेलर की गधागर्दी, गधागिरी, गर्दभराग, इसका सरकार जरूर खत्म कराएगी और इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होगा। ये बिल्कुल आदमी कहलाने लायक नहीं है जिसने एक बेजुबान के साथ ऐसा काम किया, ऐसा कृत्य किया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार।